आपकी स्किन ड्राई होती है जब आप फेस वॉश अप्लाई करते हो और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है जैसे ही आपने फेस वॉश अप्लाई किया, उसके तुरंत ही बाद के आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको देता है। आपको हमेशा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना जरूरी होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ब्रीथ नहीं कर पाती और आपको स्किन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन भी बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रही है फेस वॉश अप्लाई करने के बाद, उससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, अगर मैं बोलूं फेस वॉश के बाद आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको शायद कैसा लगेगा, आपको शायद मेरी बात पर बिलीव नहीं होगा। तो हेलो गाइज, वेलकम टू मी एंड माई DIY चैनल। आज की वीडियो आपके लिए है जिनको फेस वॉश अप्लाई करने के बाद ही उनको तुरंत मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से उनकी स्किन ब्रेथ नहीं कर पाती, क्योंकि हमेशा अपने फेस पे कुछ ना कुछ लगा के रखना पड़ता है जिससे हमारी स्किन को मॉइस्चर मिलता रहे। पर क्यों इसे इतना ज्यादा जरूरत होता है, क्यों हमारी स्किन को इतना सारा मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है? अगर मैं बोलूं आपको अब से फेस वॉश के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद आप में से बहुत लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, बट आज मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कैसे उस रेमेडी को आप बनाएंगे जिससे आप मॉइस्चराइजर बिना अप्लाई करके भी आप अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश कर सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रहने वाली है। तो आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, पहले प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं और आप सभी का प्यार मुझ तक पहुंचाइए। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक क्लीन बाउल लेना है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ जितना क्लीन आपका बाउल होगा उतनी ही अच्छी आपकी रेमेडी बनेगी। तो क्लीन बाउल लेने के बाद आपको क्या करना है, घर में सभी के कच्चा दूध होता ही है, आप कहीं से भी, आप किसी भी कंट्री से हो, किसी भी देश से हो, आपके घर में सबके कच्चा दूध आपको मिल ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो कच्चा दूध होता है वही लेना है, उसको आपको 3 से 4 चम्मच लिए हैं, जो मेरी स्पून का साइज है वो एकदम छोटा है तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आपको यहाँ पर जो कच्चा दूध होता है, जो रॉ मिल्क होता है, वही कच्चा दूध होता है जिसको हम बिना उबाले यूज करते हैं, तो वो कच्चा दूध आपको यहाँ पर ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच आपको कच्चे दूध को लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज ऐड करनी है वो है हनी। मेक श्योर गाइज जो आपका हनी है वो शहद है, वो एकदम प्योर है, कहीं वो शुगर सिरम तो नहीं है। जिनको भी चेक करना है कि आपका हनी प्योर है या फिर नहीं है, उसकी वीडियो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप घर पर चेक कर सकते हैं आपका हनी प्योर है या फिर नहीं है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो इस वीडियो के बाद आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 1/2 चम्मच शहद को ऐड करना है, तो शहद को आपको इसके अंदर ऐड करना है, उसके बाद आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है। ये ध्यान रखे जो शहद है और दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए तभी आपको इसे इस्तेमाल करना है। अब बस आपकी रेमेडी के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये 2 चीजें आपके फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगी, नरिश करेगी और हाइड्रेट रखने वाली है। तो आपस में इन चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले जो आप अपना फेस वॉश अप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी का जो भी आप फेस वॉश अप्लाई करते हैं, आपको जो नॉर्मल फेस वॉश है वैसे ही कर लेना है। अब क्या करना है, आपको जैसे ही आपने अपना फेस वॉश कर लिया आपको अपने फेस को टॉवल से पोंछ लेना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। या तो आप इसे कॉटन से अप्लाई कीजिए या फिर अपने हैंड से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी 1 से 2-3 लेयर इसको आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी है, चाहे तो आप थोड़ी बहुत मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करने से काफी अच्छे से आपका फेस और अच्छे से क्लीन होता है, जो भी डर्ट है, पॉल्यूशन है, वो फेस वॉश से नहीं निकल पाता, इससे अच्छे से निकल जाएगा क्योंकि मिल्क के अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, अगर आप मसाज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट तक आपको इसको अपने फेस पे अच्छे से रहने देना है, इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगने रहना है। उसके बाद जो आप देखोगे ये हल्का सा सेमी ड्राई होना स्टार्ट होने से पहले आपको इसे ड्राई नहीं करना, तो जब आप इसे अच्छे से अप्लाई कर ले उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आपको इसे रखना है, बस इतना रखना है कि ये ड्राई नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है, ना आपको फेस वॉश लेना है ना कुछ लेना है, आपको सिंपल इसको पानी से वॉश आउट कर लेना है, नॉर्मल जैसे हम अपने फेस वॉश को करते हैं बट बिना फेस वॉश यूज किए। उसके बाद आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट में इसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आपको बस अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना इसके बाद। और जो हम फेस वॉश करने के बाद जो हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई ड्राई रहती है वो आपको फील नहीं होगा, ना ही आपको आपके फेस में खिंचाव फील होगा, कुछ भी फील नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि आपके स्किन पे आपने कुछ लगाया नहीं, फिर भी आपकी बिना लगाए भी आपके स्किन में ऐसा लगेगा कि आपके फेस पे बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर है और आपको एकदम अच्छे से लगेगा कि बिल्कुल भी खिंचाव फील नहीं होगा। सबसे मेन अच्छी बात तो ये है कि आपको स्टिकी लुक नहीं देने वाला, साथ ही साथ आपको खिंचाव फील नहीं होगा और ये आपकी जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का काम तो करेगा ही। क्योंकि मिल्क के अंदर क्या होता है, हमारे फेस के मेलानिन को कम करने में काफी हेल्प करता है। 2 से 3 दिन तक इसे इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आपको ये आपकी स्किन पे वर्क कर रहा है। साथ ही साथ आपको ग्लो तो करेगा ही, सर्दियों में ये काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और आपके स्किन में तो आपको अच्छे से इसे अप्लाई करना है और अच्छे अच्छे मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि कैसा आपको ये रेमेडी लगी। और जिन लोगों के भी ड्राई स्किन है उनके साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।